चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई हो आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो खुशी से आपको लग रहा होगा कि क्या होने वाला है। सो मैं बता देती हूँ, मैं रेडी हूँ और रात के बज रहे 9:30 और हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। बहुत 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 टाइम के बाद से जा रहे हैं क्योंकि पहले नोएडा थी तो ये यहाँ थे और ऐसा मौका भी नहीं मिलता था। और आज पता नहीं अचानक से इन्होंने बोला चलो बाहर, मैंने बोला कहीं घूमने चलते हैं, तो इन्होंने बोला कि चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई नेकी और पूछ पूछ, तो मैं फटाफट से हो गई हूँ तैयार और चलते हैं फटाफट से पति देव जी से भी पूछ। तो पति देव जी बताइए क्या होता, कहाँ लेके चल रहे मेरे को? अवध बस स्टैंड छोड़ने। बताओ जा रहे हम लोग रेस्टोरेंट डिनर करने। जब से शादी हुई है इनको मैंने कभी डिनर नहीं कराया बाहर, तो आज इनको रेस्टोरेंट लेके चलते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे ये। और क्या बोलते हैं, आज आपको अचानक से कैसे मन हो गया? मैं तो बहुत टाइम से बोलती थी कहीं बाहर घूमने चलो, खाने को नहीं बोलती, लेकिन अचानक से आज घूमने जाने का बाहर डिनर का प्लान कैसे बना लिया आपने? ऐसा तुम खर्चा करोगी ना? जेब तो आपकी भरी हुई है। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको सब कुछ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे, नीलकंठ स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के पास। के पास नहीं, यही हमारी लोकेशन है, यही हमारी मंजिल है, यही हम लोग को जाना था। और मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम आई थी, हस्बैंड मेरे पहले आ चुके थे बट मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। तो देखते हैं अंदर कैसा क्या माहौल है। और ये कमता के पास ही है, कमता चौराहे के पास, मेन कमता चौराहे के पास है। तो अंदर जब हम लोग एंटर किए तो काफ़ी अच्छा, मतलब सब कुछ था, व्यू था, लोकेशन था। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अपना ऑर्डर लेकर के, ऑर्डर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जब कहीं बाहर चले जाओ वैरायटीज़ रहती है, समझ में नहीं आता है कि क्या ऑर्डर करें। फिर पति देव जी ने बताया मुझे कि यहाँ की हांडी पनीर और लच्छा पराठा बहुत टेस्टी है, तो मैंने फिर वही ऑर्डर करवाया। बड़ा दूर दूर है, मज़ा नहीं आ रहा। अगल बगल बैठे रहते तो साथ साथ आता था। क्या बोलती पब्लिक? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। नहीं आई तो फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, बड़ा दूर दूर है, आपकी आवाज भी मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसा नहीं तो यहाँ पे काफ़ी सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट मेरे को एक ही चीज़ का वो लग रहा था कि हमारी चेयर, हम दोनों की कपल वाली सीट पे हम बैठे थे एंड हम दोनों की चेयर इतनी ज़्यादा दूर थी कि हम लोग कुछ बात भी करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। बट कोई नहीं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड अच्छा था सब कुछ। यहाँ भी बेचारे हमारे पति देव फ़ोन का पीछा नहीं छोड़ रहे। सो ये आ गया है हमारा डिनर, हमारा कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा, सॉरी हांडी पनीर और लच्छा पराठा। और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सब कुछ अच्छा लग रहा था, बाकी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा क्या है। एंड हमारे पति देव जी इस टाइम शूट कर रहे थे और उनको पता नहीं क्यों 0.5 पर शूट करना इतना पसंद आता है। और 0.5 पर क्या होता है कि पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, बट मेरे को थोड़ा सा कम पसंद आता है 0.5 पर शूट करना। 0.5 पे मत करने लगना, मैंने हम दोनों की प्लेट में सर्व कर लिया एंड अब खाते हैं, टेस्ट करते हैं। प्याज होगा। सो यहाँ पर हमारी सर्विंग वगैरह हो चुकी है एंड फिर मैं पोज देने लगी अपने थंबनेल के लिए, यूट्यूब व्लॉग बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा थंबनेल के लिए पिक भी क्लिक कर लेते हैं इसी टाइम पे लगे हाथ। सो मैं यहाँ पे अपना पोज मार रही हूँ। सो टेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था,
पनीर मैं वैसे ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट काफ़ी टेस्टी पनीर थी। सो पनीर भी टेस्टी थी एंड पराठा भी टेस्टी था, चटपटा सा अच्छा आ रहा था टेस्ट। यहाँ पे हम मेरे पति देव जी बातें शाते करते करते अपना डिनर कर रहे थे। एंड शादी के बाद वाकई में मैं बताऊँ आपको, कभी हमें ऐसा मौका नहीं लगा कि हम कहीं अकेले ऐसे एज अ कपल और हम कहीं बाहर ऐसे डिनर वनर पे गए हों। शादी के बाद जो हम बाहर घूमने गए थे देहरादून की साइड, तो वहाँ की बात नहीं करी, उसके अलावा हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम साथ में बैठ के डिनर वगैरह किए हों। सो ये हमारा फर्स्ट डिनर डेट था एक तरीके से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कैसा खाना? क्या मंगाया तुमने? हांडी पनीर और लच्छा पराठा। सो ये है हमारी हांडी पनीर। यहाँ पे आ गया हमारा बिल और पति देव जी देख रहे हैं क्या बिल आया है एंड पे करके। और
और उसके बाद से फिर हम लोग निकलेंगे। तभी पति देव जी बिल पे कर रहे हैं अपने फ़ोन से। खाते के मौज करके बैठी हूँ, इंतज़ार करें जल्दी चले अब यहाँ से, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फाइनली हम लोग खा चुके हैं, हम निकलते हैं घर। हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। और तेज बोलिए। बस बस। तो उधर हमारी गाड़ी खड़ी है और फिर अब चलते हैं घर। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, नीलकंठ स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स। चलो फाइनली घर। मैंने चेंज वेंज कर लिया, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मज़ा आ गया बाहर। आज हम दोनों कपल वाला डिनर करके मज़ा आ गया। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। और नेक्स्ट अब हम जब भी डिनर पे जाएंगे, आज मैं यही इनसे बात कर रही थी कि फैमिली के साथ जाए तो कितना मज़ा आए, बट अभी कोई था नहीं तो आज अचानक से पहली बारी प्लान भी बना और हम ही दोनों थे घर पर। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे फैमिली के साथ, तो इंतज़ार करिएगा उस व्लॉग का। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग होता है ये खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।